हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के दो बेबी प्रोडक्ट्स जो मैंने रिसेंटली कुछ दिन हुए हैं परचेज किए हुए और यूज़ करते हुए। तो मुझे इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा लगा और अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है तो ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लगे इसके रिजल्ट्स। और अगर आपके भी बच्चे बहुत छोटे छोटे से हैं, आप भी कुछ चाहते हो ऐसा नेचुरल सा, जैसे कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी तरफ मैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होती हूँ। आप लोगों को पता ही है जैसे कि मैं बहुत सारी आप लोगों के लिए नेचुरल रेमेडीज भी लाती हूँ, इसीलिए बिकॉज नेचुरल चीज़ों से आपको कोई भी हार्मफुल कोई केमिकल नहीं पहुँचता आपकी स्किन पर और आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल अच्छी रहती है लॉन्ग टाइम के लिए। आप जितना केमिकल्स यूज़ करोगे उतना आपकी स्किन जो है वो दिन पर दिन ख़राब होते जाएगी, इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा नेचुरल चीजें ही बताती हूँ प्लस नेचुरल चीजें यूज करने के लिए ही रिकमेंड करती हूँ। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के मतलब जैसे हमेशा आप लोगों के लिए तो बताती ही हूँ, इसीलिए आज आप लोगों के बच्चों के लिए बेबीज के लिए कुछ मैं ऐसे प्रोडक्ट्स लाई हूँ दो कि जिन्हें आप यूज़ करोगे तो आप लोगों को भी मतलब मैं अपने तरफ से गारंटी देती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। सो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए बताती हूँ कौन कौन से दो प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे फर्स्ट तो है ये बेबी लोशन ममार्थ का, देन नेक्स्ट है ये टूथपेस्ट। ओके, तो ये दो प्रोडक्ट्स मैंने एक साथ परचेज किए थे। तो इसके मैंने दो प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं, फर्स्ट तो है बेबी लोशन एंड देन सेकेंड जो है वो है टूथपेस्ट। तो ये 15-20 दिन हुए हैं लगभग मुझे इसे यूज़ करते करते अपने बेबी के ऊपर, तो मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट लगा। सो चलिए वन बाय वन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इनके क्या प्राइसिंग क्या है और क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हुए हैं। तो चलिए वन बाय वन हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोशन की बात कर लेते हैं, ममार्थ का जो लोशन है बेबी लोशन, तो ये काफ़ी अच्छा लोशन है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है और पैकेजिंग भी बहुत ही क्यूट सी है, बहुत ही प्यारी सी, यहाँ पांडा बना हुआ है बहुत ही प्यारा सा। तो पैकेजिंग से तो मैं बहुत खुश हूँ। तो और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर दूँ कि ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई मुझे इसके पैसे नहीं मिले कि मैं हाँ इसके बारे में सब अच्छा ही अच्छा बोलूँ, नहीं। जो मुझे लग रहा है वही मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। सो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। सबसे फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है मामा अर्थ मॉइस्चराइजिंग डेली लोशन फॉर बेबीज कंटेन्स शिया बटर एंड जोजुबा ऑयल। तो आप लोगों को पता ही होगा शिया बटर कितना मतलब मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और आपके बच्चे को अभी जो विंटर सीजन आ रहा है उसके तो बहुत बेस्ट वाला लोशन है। आप इसे पूरे बॉडी पर भी लगा सकते हो, प्लस इसे आप अपने बेबी के फेस पर भी लगा सकते हो, तो ये आपको अलग से कोई फेस क्रीम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो इसके अंदर जोजुबा ऑयल भी है जो काफ़ी नरिशिंग होता है, प्लस ये सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। इसके अंदर कोई भी टॉक्सिन्स नहीं है जो कि आपके बच्चे को हार्म पहुंचा सके, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। देन नीचे लिखा हुआ है कि ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है, प्लस इसके अंदर जो है नेचुरल फ्रेग्रेंस है। फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो मेरे तरफ से तो थम्सअप है, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही माइल्ड है, ऐसे नहीं कि बहुत ही हार्ड सी वैसी नहीं है, बहुत ही माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है और बहुत ही नेचुरल फ्रेग्रेंस है। ये बात तो इन्होंने बहुत ही 100% सही बताई है। देन ये आपके बेबी के पीएच लेवल को भी बैलेंस करके रखता है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये है 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए है, और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, अगर आप लोग को मॉम भी हो, कोई गर्ल्स हो, कोई भी लेडीज़ हो, आप लोग भी इसे अपने फेस के लिए यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ अपना कोई भी मेकअप स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फेस पर जो एज अ मॉइस्चराइजर मैं बेबी क्रीम ही यूज़ करती हूँ। बिकॉज और मैं आप लोगों को बताती हूँ हमेशा कि आप अपने फेस पर अगर बेबी क्रीम्स या लोशंस इस टाइप से यूज़ करोगे तो आपकी जो स्किन है वो जल्दी ख़राब नहीं होगी। बिकॉज ये सब बच्चों के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो केमिकल फ्री होते हैं और इसमें कोई भी तरीके के केमिकल्स नहीं होते, तो आपकी स्किन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी बनी रहती है। तो आप लोग भी इसे यूज़ कर सकते हो। वैसे तो इन्होंने लिखा हुआ है इसके ऊपर 0 to 5 ईयर्स। ओके, देन इसकी क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं। तो ये है 200 ml का प्रोडक्ट है ये, और इसकी जो प्राइस है यहाँ पर दी हुई है 199, बट ये हमें ये मुझे पड़ गई थी आई थिंक 169 का कुछ, अभी अमेजोन पर ऑफर्स चल रहे हैं तो उसमें मैंने परचेज़ किया है, तो मुझे कुछ
30-40 रुपए का कुछ ऑफ मिल गया था इसके ऊपर, तो इसके ऊपर काफी ऑफर्स चलते रहते हैं, आप लोग एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। देन यहाँ पर लिखा हुआ है एशियाज फर्स्ट मेड देन गाइस, इसके बैक में अगर हम लोग देखें कि इसके बैक में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके की इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्यूरिफाइड वाटर, शिया बटर, कोकोआ बटर, ऑलिव ऑयल और व्हीट जम ऑयल और जोजोबा ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और कई सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो आपके पास। इसके बैक में अगर हम लोग देखें कि इसके बैक में क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ इसके की इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है प्यूरिफाइड वाटर, शिया बटर, कोकोआ बटर, ऑलिव ऑयल और व्हीट जम ऑयल और जोजोबा ऑयल, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, विटामिन ई और कई सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे विटामिन ई जो होता है वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है, आपके स्किन से जो भी एक मतलब फेस में एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करता है। प्लस ये आपके बच्चे की स्किन में आप अगर सुबह लगा दोगे तो रात तक ये बिल्कुल हाइड्रेटेड रखता है स्किन को। तो इसमें काफ़ी नेचुरल चीज़ें हैं, एलोवेरा है, विटामिन ई है, ऑयल्स हैं, तो इन सारी चीज़ों से आपके बच्चों की जो स्किन है वो बहुत ही स्मूथ एंड सॉफ्ट बनी रहेगी। तो इस विंटर इसे लेना बिल्कुल ना भूले, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, मुझे काफ़ी पसंद आई। आप लोग लेकर देखिए वन टाइम, अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा तो नेक्स्ट टाइम आप स्किप भी कर सकते हो। देन गाइज, अब मैं आप लोगों को इस लोशन की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जैसे नॉर्मल लोशंस की आती है, उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है और ये ब्लेंड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, ये भी अच्छी बात है। थोड़ा बहुत तो हर लोशन लेता ही है, तो उतनी देर में आपके जो बेबी है उसकी मालिश भी हो जाएगी। इस तरीके से आप इस लोशन को लगा सकते हो और कम से कम एक मिनट लेता है ये ब्लेंड होने में और अच्छी तरीके से स्किन में एब्जॉर्ब होने में। तो अच्छी तरीके से अपने बेबी की आप इससे मसाज भी हो जाएगी, मतलब 2-in-1 काम कर सकते हो आप इसके साथ। तो देख सकते हो आप लोग काफ़ी अच्छा और हाइड्रेटिंग है और ट्रस्ट में इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बिल्कुल नेचुरल सी। तो मुझे तो काफ़ी पसंद आया, आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। गाइस, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर। गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, जो है टूथपेस्ट। ओके, तो ये जो टूथपेस्ट है इसकी सबसे फर्स्ट तो मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ। तो ये इसके ऊपर जो MRP लिखी हुई है वो है 149 रुपीज, बट ये भी हमें डिस्काउंट पे 125 रुपीज का पड़ गया था। ओके, देन इसकी क्वांटिटी जो है वो नेट वेट है इसका 50 ग्राम। तो हम लोगों ने पहले छोटा ही मंगवाया था, बिकॉज हम लोगों ने भी फर्स्ट टाइम इसे ट्राई किया था, इसीलिए छोटा ही पैक मंगवा कर देखा था। लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत ही प्यारे इसके प्रोडक्ट्स हैं और इसकी जो खुशबू है, इनमें सारी जो खुशबू आती है बिल्कुल केमिकल वाली नहीं आती है, ऐसी नेचुरल सी खुशबू आती है सारी चीज़ों में। गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके फ्रंट में लिखा क्या हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है मामा अर्थ बेरी ब्लास्ट टूथपेस्ट फॉर किड्स और यहाँ लिखा हुआ है SLS फ्री विच इज गुड, एंड देन नेक्स्ट लिखा हुआ है फ्लोराइड फ्री। तो ये भी एक अगेन अच्छी बात है, फ्लोराइड फ्री है, SLS फ्री है, प्लस ये 100% नेचुरल है, ये ऐसा क्लेम करते हैं। और ये 12 मंथ प्लस बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान में रखना है बस आप लोगों ने। ओके, और देन इसके यहाँ बैक में लिखा हुआ है नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, ये भी बहुत अच्छी बात है। गाइज, नेक्स्ट यहाँ बैक में लिखा हुआ है मेड विथ सेफ इंग्रेडिएंट्स, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। देन यहाँ लिखा हुआ है 100% वेज और नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है 100% डिराइव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल मिनरल किंगडम। ओके, तो ये तो सारी होगी इसके बैक में जो लिखा हुआ है उनकी बात है, प्राइसिंग मैंने आप लोगों को पहले बता ही दी है। देन अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ इसके ऊपर इसकी जो पैकेजिंग है वो। तो इस तरीके से इसकी पैकेजिंग दी हुई है, तो काफ़ी अच्छी है। ओके, तो पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी है और ये इसमें जो फ्लेवर है ये है बेरी ब्लास्ट, तो काफ़ी अच्छी इसमें से खुशबू मतलब बेरीज की आती है, बहुत ही प्यारी सी और ट्रांसपेरेंट सा इसका फेस्ट है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से।
आई थिंक हम लोग देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी एंड किस तरीके से दिखता है ये पेस्ट। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट पेस्ट है और इसकी भी खुशबू लाइक ऐसा लग रहा है जैसे वो एक चॉकलेट आती है ना जेली वाली, तो उसमें से जो खुशबू आती है स्ट्रॉबेरीज एंड बेरीज की, उस टाइप से इसमें से बहुत ही अच्छे से खुशबू आ रही है। मेरी जो डॉटर है वो 3.5 ईयर्स की है, वो काफ़ी पसंद कर रही है इसे, बिकॉज ऐसा लगता है, वो बोलती है ऐसा लगता है कि जैसे इसमें से चॉकलेट्स खा रहे हो ऐसी इसमें से खुशबू आती है, तो उसे तो काफ़ी पसंद आया। तो आप लोग भी अपने बेबीज़ के लिए एक ट्रायल पैक जैसा ही लेकर देखिए, अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो आप इसे आगे कंटिन्यू कर सकते हो या तो फिर वहीं पर आप इसे स्किप कर सकते हो। ओके, यही था आज का मेरा वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और आप लोग भी अगर ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो मेरे तरफ से थम्स अप है, आप लोग 100% लीजिए, बिकॉज ये नेचुरल है, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना फोर्स कर रही हूँ आपके बेबीज के लिए। तो चलिए बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।